Addressing the Lok Sabha today, Prime Minister Narendra Modi said that the government is taking critical steps to address the NEET exam leak controversy. He also added that those messing with India's youth's future will not be spared. He was responding to the President's motion of thanks. In fact, the 18th Lok Sabha ended today and the Prime Minister is expected to speak in the Rajya Sabha tomorrow. Speaking a day after Leader of Opposition, Congress Leader Rahul Gandhi launched a multi-frontal attack on the BJP, the Prime Minister today accused the Congress party of being a political party parasite that has to depend on stronger regional allies for its electoral successes. He also, in fact, singularly attacked this Congress party, specifically Rahul Gandhi, calling him childlike, prone to tantrums, and also alleged that it was the Congress party that had stalled reservations and also the Mandal Commission report in the past. He claimed that the Congress party was against the modernization of Indian armed forces, something that India needed desperately. The PM spoke even as opposition, particularly Congress MPs, raised slogans seeking justice for Manipur and also against dictatorship. Let's take a look at some of the important excerpts from the Prime Minister's speech today. मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ बिखर के आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम बातें इसलिए कही जाती हैं कि नीट पर कोई सवाल न पूछे। जो बालक बुद्धि बोले वो खुद बालक हैं। राजनीति में बालक इसलिए हैं कि जब जनता चुन करके भेजती है तो उनके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बालक बुद्धि अगर कोई है तो सरकार में लोग होंगे जो अभी भी देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। नथिंग न्यू एंड इट वाज अगेन टारगेटिंग यू नो द ऑपोजिशन। देयर वाज नो रेस्पॉन्स और रिप्लाई टू द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द ऑपोजिशन, बट ही वाज ओनली ब्लेमिंग The same blaming game, that's all. देखिए, उनका पिछले 10 साल से जो भाषण है उसी में थोड़ा शब्दों का हेरा फेरी है। कोई खास बात तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हीं बातों को दोहराया है जो हर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो बोलते रहे हैं। तो मुझे तो घुमा पिला के ये लगता है कि कोई बहुत ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा जो सही मालों में देश के लिए, समाज के लिए कुछ हो।